हेलो एवरीवन, इंडियन ऑयल की तरफ से बहुत अच्छी खबर आ रही है। उनके तरफ से आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है और जो कैंडिडेट एप्लीकेबल है, जिनको इंटरेस्ट है अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कितना नंबर ऑफ़ सीटें हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फीस कितना है और कब तक अप्लाई आपको करना होगा ऑनलाइन आवेदन। तो पूरे इसमें मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बता दूँ, इंडियन ऑयल आपका भारत सरकार का कंपनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगा है। जहाँ तक मैं बात करूँ, इसमें तीन तरह का सीटें हैं, बीटेक वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए भी, लेकिन मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूँगा। तो देखिए, आईटी वालों का जो अप्रेंटिसशिप का नाम दिया जाता है वो नाम है ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये जो लोकेशन है, ये चार लोकेशन में निकाला गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कौन कौन सा लोकेशन है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो यहाँ पे आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ सीटें का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल रीजन में आपका आईटीआई वालों के लिए आपका टोटल सीट बात करूँ तो 71 है, और इसमें आपका एक साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। क्वालिफिकेशन आपको बात करूँ तो मैट्रिक चाहिए, रेगुलर मैट्रिक, उसके बाद आपका फुल टाइम आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी दोनों से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल का। उसके बाद मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका 18 सीट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड का है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैशनिस्ट। और ये जो सीटें दिया गया है ये ऑल ट्रेड का मिक्स करके दिया गया है, और यहाँ पर मैंसन नहीं है कि कौन सा ट्रेड का कितना सीटें हैं, बट आपको इंटरेस्ट है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए उड़ीसा में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे उड़ीसा के लिए आईटी वालों के लिए टोटल 25 सीट है। उसके बाद मैं झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपका सीट 10 है, ठीक, 10 सीटें हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आप झारखंड में भी आपका सभी ट्रेड का है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए असम का आपको यहाँ पे देख लीजिए 23 सीट है आईटी वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप लोग जिस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग कर दीजिए, ठीक है। मैंने आप लोग को सीट बता दिया हूँ कितना कितना सीटें हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो। तो मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो आपका मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम 24 चाहिए। और जो रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी और ओबीसी का, वो आप देख पा रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आप लोग को छोटी मिला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि पीरियड कितने महीना का होगा, तो मैंने ऊपर में ही बता दिया कि आप लोग को 12 महीना यानी एक साल का आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जैसे कि बहुत सारे अप्रेंटिसशिप में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कट ऑफ मार्क्स बेस पर लिया जाता है, लेकिन इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कैंडिडेट इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो मैं बात करूँ आईटी वालों की, तो आईटी वालों की यहाँ पर देख सकते हैं आपका, तो आपका 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और मैं बात करूँ जो ट्रेड का क्वेश्चन आपका 40 रहेगा, उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 रहेगा यानी मैथ, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग 20 रहेगा, उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा 20, यानी कि यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, और इसको आपको किस तरह आवेदन करना है, तो इसको आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और इसमें आप लोग को फ़ीस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए मैं इम्पॉर्टेंट डेट बताता हूँ कि कब तक आपको अप्लाई ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देख सकते हैं ये आपका ओपनिंग डेट यानी कि 29 मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपका 18 जून है, ठीक। और जो आपका एडमिट कार्ड आप लोग कब से डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने शो कर दिया है कि टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट नाउ स्टैंडर्ड 22 जून 2020, ठीक। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन लेटर है वो आप रेगुलर इस वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आवेदन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाएंगे, और आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा आप लोग को,
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे न्यू है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है और घंटा को ऑल कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।